नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर स्वागत है हमारे चैनल में। आज मैं वीडियो बना रहा हूं, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है कि अभिघात और वैदिक मैथ में डिफरेंस क्या है। लोग अक्सर मेरे से पूछते हैं, सर आप अभिघात का और वैदिक मैथ का दोनों का ट्रेनिंग एंड फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करते हैं, आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है? हमें पहले अभिघात सीखना चाहिए या वैदिक मैथ करना चाहिए? क्या हम दोनों को एक साथ कर सकते हैं? और दोनों में बाकी डिफरेंस क्या है? और बच्चों पर दोनों का इम्पैक्ट और इफेक्ट क्या पड़ने वाला है? और किस कोर्स की डिमांड मार्केट में ज्यादा है? तो आज हम लोग दोनों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आज हम देखेंगे कि वैदिक मैथ और अभिघात में समानताएं क्या है और व्हाट इज डिफरेंस। तो डिफरेंस एंड सिमिलरिटी आज हम दोनों के बारे में जानेंगे, ताकि आप लोगों को थोड़ा बेहतर तरीके से समझ में आए और आप जज कर पाए दोनों में डिफरेंस। हम बात करते हैं वैदिक मैथ की। वैदिक मैथ जिसका उद्भव भारत में हुआ है, हमारे ऋषि मुनियों ने इसका डेवलप किया और 16 सूत्र यानी 16 सूत्र बनाए गए पूरे वैदिक मैथ के अंदर, जिनको पूरे का पूरा कैलकुलेशन को हम लोग इन 16 सूत्र से पूरा कर सकते हैं। आज हम देखते हैं कि जिन मैथ को हमारे भारत में बनाया गया और आज हम भारत में यूज कम करके उल्टे दूसरे देश वाले दूसरी अदर फॉरेन कंट्रीज में वैदिक मैथ को बहुत पढ़ाया जाता है। मैंने कई लोगों को यूएसए में और कनाडा के लोगों को मैंने वैदिक मैथ का ऑनलाइन ट्रेनिंग दिया है, तो मेरे को मालूम पड़ा कि लोग भारत से ज्यादा फॉरेन कंट्रीज में बहुत इंटरेस्टेड है वैदिक मैथ को। लेकिन अब ऐसा नहीं है, वैदिक मैथ की तरफ हमारी गवर्नमेंट का भी रुझान बढ़ा है। उनको पता है कि हम जो मैथ पढ़ रहे हैं उससे 10 और 15 टाइम्स वैदिक मैथ ज्यादा सक्सेस है। आज हम देखिए राजस्थान, यूपी और कई सारे मैंने बोर्डों की किताबें देखी हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का जो बोर्ड है 6th क्लास से और 10th क्लास तक के टॉपिक्स में वैदिक मैथ को डाला गया है। और हम लोग कई सारे बोर्ड को भी मैंने अध्ययन किया है, तो बहुत सारे बोर्ड ने इंक्लूड किया है और कई सारे बोर्ड इनको इंक्लूड करने जा रहा है वैदिक मैथ को। तो इसको देखते हुए वैदिक मैथ के टीचर की आने वाले टाइम में बहुत बड़ी डिमांड होने वाली है। तो अगर आप चाहते हैं कि दूसरों से पहले इसका ट्रेनिंग ले लिया जाए तो आप कर सकते हैं। लेकिन आज हम लोग, मैं आपको वैदिक मैथ के बारे में ज्यादा नहीं बताने वाला। आज हम देख रहे हैं कि वैदिक मैथ और अभिघात में समानता और अंतर क्या है। अभिघात के बारे में मैंने काफी सारे वीडियोज हैं जो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो हम बात करें पहले तो समानता की, कि वैदिक मैथ एंड अभिघात में समानता क्या है, सिमिलरिटी क्या है। पहली बात तो दोनों पद्धतियां मैथ को कई गुना बढ़ा देती है, बच्चों की मेंटल कैलकुलेशन को बढ़ा देती है, बच्चे की मैथ में एफिशिएंसी बढ़ जाती है ये दोनों चीजों को। फिर दूसरी बात हम बात करते हैं कि दोनों का एक बेनिफिट ये भी है कि बच्चे का कंसंट्रेशन लेवल और लॉजिकल माइंड को दोनों को डेवलप करती है। अब हम लोग देखते हैं वैदिक मैथ और अभिघात में डिफरेंस क्या है। हम बात करते हैं अभिघात की। अभिघात का उद्भव या स्टार्टिंग चाइना के अंदर हुआ और चाइना और जापान के अंदर इसका सबसे पहले प्रारंभ हुआ, उसके बाद अदर देशों के अंदर कंट्रीज में इसका प्रचार बढ़ा। तो अभिघात जो आज हम लोग यूज करते हैं वो सबसे ज्यादा सेरोवान यानी जापानीज टूल है, सेरोवान जिसको हम यूज करते हैं अभिघात टूल को। जबकि हम बात करें वैदिक मैथ का, वैदिक मैथ इंडियन पद्धति है, इंडियन मैथ प्रैक्टिस है, जिसको हमारे गणितज्ञों ने, हमारे देश के ऋषि मुनियों ने जिसको डेवलप किया था। तो पहला डिफरेंस, वैदिक मैथ का उद्भव भारत में हुआ और अभिघात का चाइना एंड जापान के अंदर हुआ। दूसरा अंतर देखें हम लोग कि अभिघात के अंदर कैलकुलेशन सिखाने के लिए अभिघात टूल का यूज किया जाता है। अभिघात टूल एक टूल होता है जिसमें काफी सारी बिट्स होती है जिनको बच्चा अप डाउन करता है और उनको बाद में विजुलाइज करके उसके ऊपर वर्क करता है। जबकि वैदिक मैथ में ऐसा कोई टूल यूज में नहीं आता, बच्चा पेन से या तो ट्रिक के द्वारा कैलकुलेट करेगा, पेपर वर्क करेगा या मेंटल करेगा। ये पूरी की पूरी सिद्धांतों पर आधारित है, थ्योरेटिकल आधारित है, इसके लिए किसी प्रकार का कोई टूल यूज नहीं होता है वैदिक मैथ में।
हम अगला डिफरेंस देखें कि अबेकस के लिए एक एज फिक्स किया हुआ है कि अबेकस को केवल 6 और 14 ईयर के बच्चे ही सीख सकते हैं, यानी 6 से 14 साल के बच्चों के लिए ही अबेकस बनाया गया है, क्योंकि उसको विजुलाइज करना केवल बच्चों में ही पावर होता है 6 से 14 साल में, इसलिए अबेकस में अच्छा कर सकते हैं। जबकि वैदिक मैथ की बात करें तो वैदिक मैथ को एक 10 साल से लेकर और कितना भी बड़ा एज का आदमी, एक 60 ईयर का पर्सन भी सीख सकता है, आप और हम तुम भी कर सकते हैं। यानी जो लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या हायर एजुकेशन में है और अपना मैथ को अच्छा करना चाहते हैं तो वो वैदिक मैथ कर सकते हैं। लेकिन अगर बच्चों को सिखाना है तो सबसे बेस्ट पहले अबेकस सिखाया जाना चाहिए। वैसे तो अबेकस 6 साल से स्टार्ट होता है, लेकिन हम लोगों ने अबेकस ज्ञान ने 6 साल से छोटे बच्चों के लिए भी एक विशेष प्रकार की 2 बुक्स बनाई है केडे अबेकस के नाम से, जिन्हें भी आप पढ़ा सकते हो। और इसी प्रकार हम लोग वैदिक मैथ के अंदर भी कुछ टॉयज और गेम लेके आ रहे हैं, जिससे छोटे बच्चों को वैदिक मैथ को एक गेम के थ्रू सिखाया जा सकता है। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। अभी हम देखें नेक्स्ट डिफरेंस। हम देखते हैं कि अबेकस का जो सिलेबस है वो 8 लेवल में डिवाइड है और एक लेवल 3 मंथ का चलता है, यानी अबेकस को करीब 24 मंथ तक, यानी एक लॉन्ग टर्म का कोर्स है। अबेकस को एक लंबे समय में पूरा किया जा सकता है। जबकि आप वैदिक मैथ को देख रहे हैं, वैदिक मैथ में अबेकस ज्ञान के 4 लेवल है, पर लेवल को आप 2 से 2.5 महीने में पूरा कर सकते हैं, यानी मैक्सिमम 8 to 1 ईयर के अंदर आप वैदिक मैथ का कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। जबकि अबेकस 24 मंथ लेगा और वैदिक मैथ आपका हो जाएगा मैक्सिमम 1 ईयर के अंदर। अब बात करें कैलकुलेशन की स्पीड की, कि अबेकस से कैलकुलेशन ज्यादा बेस्ट होता है। यानी अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो वैदिक मैथ के अंदर कैलकुलेशन करने के लिए ट्रिक्स और फॉर्मूलाज होते हैं, जबकि अबेकस के अंदर कैलकुलेशन करना वैदिक मैथ की तुलना में कई गुना फास्ट होता है। और बच्चों को अबेकस पे वैदिक मैथ की तुलना में अबेकस पे छोटे बच्चों को कैलकुलेशन करना ज्यादा आसान होता है, क्योंकि अबेकस उनको एक टॉयज के जैसा लगता है, जबकि वैदिक मैथ में उनको ट्रिक्स और फॉर्मूलाज और सिस्टम को फॉलो करना होता है। तो इसलिए अबेकस ज्यादा फास्टर है वैदिक मैथ की तुलना में। इसलिए मेरा अगर पर्सनली एडवाइस है, अगर आप पहले जब इस फील्ड में आ रहे हैं तो वैदिक मैथ और अबेकस की तुलना में पहले आपको अबेकस स्टार्ट करना चाहिए, फिर आप वैदिक मैथ स्टार्ट कर सकते हैं या दोनों को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पहली जब स्टार्ट कर रहे हैं तो अबेकस की से पहले वैदिक मैथ को स्टार्ट ना करें। आगे हम डिफरेंस देखते हैं। एक अबेकस का जो सिलेबस है वो लिमिटेड है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई और डिवीजन। यानी अबेकस के अंदर आप बेसिक जो हमारा मैथमेटिकल चीजें हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई डिवीजन कर सकते हैं, जबकि वैदिक मैथ अबेकस में तो फिक्स है, जबकि वैदिक मैथ के अंदर ये सिलेबस वाइड नहीं है। यानी आप वैदिक मैथ इतना बड़ा सिलेबस है कि एक IITN के लिए भी अपने टॉपिक को कवर करने में फायदा करता है। यानी बैंक, SSC, रेलवे, गवर्नमेंट जॉब के बच्चे भी अपने बहुत सारे टॉपिक को, एलजेब्रा को और बड़े बड़े लेवल के स्क्वायर है, रूट है, इनको सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि अबेकस ज्ञान ने वैदिक मैथ और अबेकस को जोड़कर हम लोग एक नया कोर्स भी बनाने जा रहे हैं, जिससे अबेकस से फास्टर तो होगा और वैदिक मैथ से आपको उन चीजों को अप्लाई कर सकते हैं अबेकस के साथ में, जिनके बारे में मैं और आगे दूंगा, या आप लोग कॉल करके पूछ सकते हैं। और हम लोग दोनों का ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, अबेकस का और वैदिक मैथ का, दोनों का ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, दोनों का मेंटर प्रोवाइड करते हैं। यदि आपको अपनी ब्रांडिंग से चाहिए तो आपकी अपनी ब्रांडिंग से, या अगर अबेकस के ज्ञान के नाम से चाहिए आपको तो अबेकस ज्ञान के नाम से आपको टी शर्ट, बैग, बुक्स, सारा मेटेरियल हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और हमारा फ्रेंचाइज या रॉयल्टी भी नहीं है। तो आइए, और डिटेल चाहिए आप लोगों को तो आप हमें कॉल करें, जाने। धन्यवाद।